पूरा का पूरा सी का काम करता है, ये पूरा को पढ़ा रहा हूँ। वो तीन पीछे मल्टीप्लाई मार देगा, जबकि महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे को एक एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर में लेके चले जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, पवन वाइकड़े में आपका स्वागत है। क्लास टेंथ के बाद क्या करें सर, क्या डिप्लोमा कर लें या फिर इलेवन ट्वेल्थ करें? आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, आखिर तक बने रहिएगा और देख लीजिए कि क्या मैं कहना चाहता हूं और क्या सही है और क्या गलत है। हालांकि निर्णय आखिरी में आपको ही लेना है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें मैं बहुत क्लियरली आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों मुद्दा क्या है, क्यों डिप्लोमा जाए? कुछ लोग सोचते हैं सर क्यों इलेवन ट्वेल्थ करें, हम तो एक काम करते हैं डिप्लोमा करते हैं और डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करें, ये फिक्स है हमारा, हमको इंजीनियरिंग ही करना है तो हम डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं। टेंथ का एडमिशन, टेंथ के मार्क्स अच्छे होते हैं तो डिप्लोमा में हमको जो ब्रांच चाहिए वो मिल जाएगी और उसके बाद में हम बाकी डिप्लोमा होने के बाद में हम जो है हम आगे बी में एडमिशन ले लेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं सर मैं तो 11 12 की प्रिपरेशन करूंगा, JEE दूंगा या CET दूंगा और अगर JEE में अच्छे मार्क्स मुझे आ जाते हैं तो मुझे IIT मिल जाएगा, एडवांस देके मैं IITian बन जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो बच्चों के मन में दुविधाएं या प्रश्न जो होता है इसका मैं सबसे पहले क्लैरिटी आपको बता दूं कि देखो डिप्लोमा करने में कोई परेशानी नहीं है अगर आपका जो पिक्चर है बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर पिक्चर है कि यार यस मुझे डिप्लोमा जाना चाहिए या मुझे डिप्लोमा ही करना है, मुझे इंजीनियरिंग ही करना है। अगर आपका पिक्चर ही क्लियर है यार कि मुझे इंजीनियरिंग करना है तो फिर डिप्लोमा जाओ, और अगर आपका पिक्चर क्लियर नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ तो फिर इलेवन ट्वेल्थ में जाओ। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका पिक्चर क्लियर है कि आपको जो इंजीनियर ही बनना है तो भी मैं कहूँगा कि डिप्लोमा मत करो, इंजीनियरिंग से जाओ। हालांकि डिप्लोमा से गए हुए स्टूडेंट जो होते हैं, जो इंजीनियरिंग में जाते हैं, वो स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होता है। वो भारी पड़ते हैं जब वो इधर सेकेंड ईयर में इनको ज्वाइन करते हैं, जब वो सेकेंड ईयर में इन बच्चों को ज्वाइन करते हैं तो इनसे वो अच्छे होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वो वहाँ पर बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीखे हुए होते हैं। लेकिन 11 ट्वेल्थ के बच्चों को वहाँ प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ सीन क्या है सर, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि 11 ट्वेल्थ करो? अरे भैया 11 ट्वेल्थ करने का सीन ऐसा है कि अगर आप 11 ट्वेल्थ करते हो और 11 ट्वेल्थ करते करते आपके मन में जो है इंजीनियरिंग का भूत निकल गया है ना भाई, चलो नहीं निकला तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप जो है आप क्या करोगे, आपके मन में ऑप्शन है तो आपके लिए पहला ऑप्शन तो है सर कि मैं एक काम करूंगा, मैं CET दे दूंगा और स्टेट के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। दूसरा ऑप्शन आपके लिए खुला होता है कि सर मैं तो JEE देने वाला हूं और मुझे तो IITian ही बनना है। तीसरा ऑप्शन आपके पास में खुला होता है कि सर मैं तो NEET दे देता हूं और मुझे तो डॉक्टर बनना है। देखो यहां चीज बदल जाती है। और चौथा ऑप्शन ये होता है कि नहीं सर मैं तो कोई तो भी ग्रेजुएशन करता हूं, है ना, मैं कोई तो भी ग्रेजुएशन करता हूं, लाइक मुझे BSc या BA या BCom या BSc मैं करना चाहता हूं। तो यहां आपके लिए थोड़ा सा ये हो जाता है, देखो अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आपके लिए रास्ता सिर्फ एक है, आपको सिर्फ इंजीनियरिंग का रास्ता जाता है। ठीक है, आप वहां से BE कर सकते हो, लेकिन यहां से रास्ते आपके इतने खुले होते हैं कि ट्वेल्थ के बाद आप चाहे तो कोई प्रॉपर आप ग्रेजुएशन कर सकते हो और यहां से आप UPSC MPSC की ओर जा सकते हो। आप BSc करते हो तो आपको MSc का रास्ता खुला होता है, आप MSc करके भी आप अच्छा कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप अगर CET देके इंजीनियर बनना चाहते हो तो रास्ता खुला है आपके लिए। भाई आप अगर सोचते हो कि मैं JEE क्यों दूं या मैं CET क्यों दूं, मुझे नहीं करना 11 12, तो बात समझ लो 11 12 एक ऐसा है ना जहां से रास्ता अपना अलग है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उससे हो सकता है डिप्लोमा के बाद भी कुछ और रास्ते खुल जाए, लेकिन अभी तक के वो खुले नहीं है। एक बात समझ लो, डिप्लोमा के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करने जाओगे तो आप इधर इंजीनियरिंग में कर सकते हो, बाकी जगह के लिए आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो मुद्दा यह है कि आपको अगर करना है, मतलब वो ग्रेजुएशन को भी जाने दो, लेकिन आप अगर इंजीनियरिंग करना ही चाह रहे हो और आपको डिप्लोमा करके जाना तो भी मैं कहूंगा कि आप 11 12th करके इधर जाओ, क्योंकि यहां पर जो 11 12th में आपका मैथ साइंस का जो बेस बनेगा वो ऐसा तगड़ा बनेगा कि आप आगे का इंजीनियरिंग आपको सिंपल जाने वाला है, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, सेकंड ईयर का पूरा मैथ जो है तो सबका सब कनेक्टेड है। यहां रास्ते आपके लिए बहुत सारे खुले हैं, मतलब आप CET के थ्रू आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, JEE के थ्रू आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप NEET ले सकते हो, NEET में जा सकते हो, वहां भी रास्ते खुलेंगे, है ना, यहां भी रास्ते खुलेंगे ना, आपको मेडिकल लाइन मिल जाएगी, फार्मास्यूटिकल लाइन मिल जाएगी, आपको जिधर जाना उधर जाओ, है ना, आप बी फार्मा एम फार्मा कर सकते हो। ठीक, उसके बाद में आप अगर ग्रेजुएशन जाते हो तो ग्रेजुएशन में कितनी ब्रांचेज है, आप देखो BSc में कितनी ब्रांचेज है,
तो रास्ते बहुत सारे खुले रहेंगे अगर आप 11th 12th करते हो। तो मैं पर्सनली बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि डिप्लोमा ना जाते हुए आप लोग इधर जाओ, है ना, आप लोग यहाँ जाओ। और कुछ ऐसे बंदे हैं कि जिनके पास में, सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता सर, मेरे तो घर की परिस्थिति बड़ी ख़राब है, मैं जैसे तैसे डिप्लोमा में कुछ कर लूँ। देखो एट द एंड ऑफ द डे आपको डिसीजन लेना है, लेकिन रास्ते जो है यहाँ ज़्यादा है खुले हुए, यहाँ कम है। तो रास्ते जो खुले हैं उधर से जाओ, ज़्यादा रास्ते खुले होंगे ज़्यादा बेटर रहेगा और अच्छे से सब हो जाएगा। तो ये मेरी पर्सनल राय है ना। अब इस पर डिसीजन लेना आपको है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि डिप्लोमा करने वाला तो डिप्लोमा करेंगे ही करेंगे, उनको इंजीनियरिंग ही करना है और उनको 11th 12th नहीं करना। तो वो देखो वो एक ऑप्शन कब है कि आपका पिक्चर ही क्लियर है, पूरा पिक्चर क्लियर है कि मुझे यही करना है, इतने आप स्ट्रांगली ये होते। लेकिन अब आपको बताऊं मैं, आपकी जो एज है 10th के जो बच्चे होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते डिसीजन लेने के मामले में, है ना। वहाँ वो जो डिसीजन लेते ना, वो कई बार अपने दोस्तों को देख के डिसीजन लेते हैं, कई बार वो अपने पेरेंट्स के कहने पर डिसीजन लेते हैं, उनका खुद का डिसीजन नहीं होता। और फिर बाद में जाके पता चलता है कि यार मैंने तो गलत लाइन ले ली यार, मुझे तो ये करना ही नहीं था, मैं तो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं था। तो यहाँ आपको 2 एक्स्ट्रा साल मिल जाते हैं ये सब सोचने के लिए। आप आपका मैथ्स ले रहे हो, आप कॉमर्स ले रहे हो, आपको जो सब्जेक्ट लेना लीजिए और वहाँ से आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और एक और चीज़ बताऊँ मैं, मेरा पर्सनल जो सोच है कि क्या हर बंदे ने इंजीनियर और डॉक्टर ही बनना चाहिए, दूसरी ब्रांचेस का क्या यार, क्या जॉब नहीं मिलता, क्या बीएससी करने के बाद जॉब नहीं है क्या? बहुत जॉब है भाई, बीएससी करने के बाद अगर आप प्रॉपर एमएससी करते हो किसी अच्छी ब्रांच में तो जॉब आपको तैयार पड़े हैं। आप स्टेटिस्टिक्स में करो एमएससी, आप एक्चुअल साइंस में एमएससी करो, आप मैथ्स में एमएससी करो, आप फिजिक्स में करो या केमिस्ट्री। मैं तो बोलूँ, मुझे कोई पूछे कि किस में एमएससी करना, तो मैं बच्चों को सजेशन देता हूँ कि फिजिक्स में करो और फिजिक्स या केमिस्ट्री में करो। क्यों? अरे यार फिजिक्स केमिस्ट्री वालों की मजा रहती है। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप करते हो और अगर आप टीचर बन जाते हो, तो आप जेई वालों को पढ़ाओगे, आप नीट वालों को पढ़ाओगे, आप सीटी वालों को पढ़ाओगे, मतलब आपकी डिमांड इतनी रहेगी, जेडब्ल्यू वाले भी आपके पीछे रहेंगे और नीट वाले भी आपके पीछे रहेंगे। तो दो दो ब्रांचेस वाले जो सारे के सारे बच्चे आपके पास पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इन टीचर्स को बहुत, और अच्छे टीचर्स भैया आज भी कम है यार। आज तुम यूट्यूब पर गिन लो ना, उंगलियों पर गिन लो इतने टीचर पढ़ा रहे हैं। आप बोलते हो ना यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है, अरे गिन लो भैया, उंगलियों पर गिन लोगे आप, अच्छे टीचर कितने हैं? गिने चुने 4-5 टीचर मिलेंगे, उससे ज़्यादा टीचर नहीं मिलेंगे, स्टेट बोर्ड में भी और नेशनल लेवल पर भी। तो बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, टीचर्स अच्छे, आज भी अच्छे टीचर्स की डिमांड है, जैसे आज भी अच्छे एक्टर्स की जरूरत है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि भैया 11th 12th से आगे के रास्ते पर जाओ, इस रास्ते से मत जाओ, बाकी आपकी इच्छा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता रहा हूँ, आपके मन में फिर भी कोई दुविधा है कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।